जो भी यहाँ पर ये आ रखे हैं ये सब ग्रासिया आदिवासी है। अच्छा, ग्रासियाओं का मेला है यूँ तो, मतलब सरकार द्वारा कोई हेल्प नहीं हुई है? सरकार के द्वारा कोई हेल्प नहीं हुई। तो यहाँ के जैसे गांव के सरपंच वगैरह वो कोई हेल्प नहीं करते? सरपंच तो हेल्प करने वाला नहीं है। अच्छा, वो किस चीज की प्रसाद है? शीतला माता री। लेकिन किस चीज से बनाई हुई है ये? हाँ, ये सावल है। अच्छा अच्छा, ये आपका मकान है? बिल्कुल, ये भैया जी अपने घर पे लेकर आए हमको, ये इनका मकान है दोस्तों। ये दोस्तों इस तरफ ये पूरी नदी है, ताऊ जी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं, साइड में बच्चे भी खड़े हैं। आप इसी गांव के हो? हाँ। आप भी ग्रासिया हो? हाँ। आप और तो इस गांव में ज्यादातर सभी ग्रासिया हैं? हाँ, सब ग्रासिया। अच्छा, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं अभी आ रखा हूँ पिंडवाड़ा में। पिंडवाड़ा का एक गोपेश्वर जी करके कोई गांव है, उस गांव में मैं आया हूँ। पिंडवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में आपको ग्रासिया आदिवासियों की जनजातियां दिखाई देगी, और ग्रासिया आदिवासी जनजाति है ना, जो दोस्तों भील और मीणा जनजाति के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आज की इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में आप पहाड़ी जीवन देखने वाले हैं। पहाड़ों में ग्रासिया जनजाति, भील जनजाति या मीणा जनजाति कैसे निवास करती है उनके बारे में, और कैसे किस प्रकार की खेती होती है उनके बारे में आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये गाँव का कुछ नज़ारा है, बिल्कुल जंगल की तरह यहाँ पर पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और जंगलों के बीच में घर बने हुए हैं। एक घर यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है और पीछे आप बिल्कुल अरावली पर्वतमाला की बड़ी बड़ी चोटियाँ देख सकते हैं। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये बसा हुआ गांव है। चलते हैं गाँव के बिल्कुल अंदर और दिखाते हैं आपको भी यहाँ का रहन सहन किस प्रकार है। चारों तरफ जिधर भी देखें आप, ये पूरा जंगल है। ये दोस्तों यहाँ पर इस तरह से ये इतने सारे आपको बबूल के पेड़ दिख रहे होंगे और इन पेड़ों के बीच में बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर ये यूँ मकान बने हुए हैं। मतलब ग्रासिया आदिवासी, ये ग्रासिया आदिवासियों के घर है ना? हाँ जी, ग्रासिया आदिवासियों के। अच्छा, और आप भी ग्रासिया हो? हाँ, आप ही, हम ही ग्रासिया। अच्छा, ये गांव कितना बड़ा है लगभग? गांव बहुत बड़ा है। आगे तक कितना बड़ा है? आगे तक मतलब बड़ा है बहुत। अच्छा, तो मतलब यूँ आपके भी घर ऐसे बने हुए हैं पहाड़ों पर? हाँ, ऐसे ही बने। इधर मेला लगा है माता जी का। अच्छा, आज माता जी का मेला भी है? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही। आप मतलब रोड चले जाना रहा। अच्छा, आगे माता जी का मेला आई। हाँ। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए रोड के किनारे पर किस तरह से ये मकान बने हुए हैं, कच्चे कच्चे मकान बने हुए हैं सारे। आप इसी गांव के हो? हाँ। अच्छा, क्या करते हो आप? बस पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हो? अच्छा, पढ़ाई करते हो या पार्ट टाइम और जॉब वगैरह भी करते हो? बस दूसरा काम कोई नहीं करते ऐसे। अच्छा, आप भी ग्रासिया हो? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार छोटे छोटे टिन सेट भी डाले हुए हैं और छोटे छोटे घर बने हुए हैं। यहाँ पर लोग स्नान भी कर रहे हैं हेडपम्प से। बिल्कुल जंगल के बीच में से रास्ता जा रहा है। देखिए अरावली पर्वतमाला के छोटे छोटे गांव देखिए और एंजॉय कीजिए आप घर बैठे। ये इस खेत में ये काय के पेड़ लगे हुए हैं इतने सारे? इसको हमारे पास में तो खाकरा बोलते हैं। खाकरा? अच्छा, गुजराती में खाकरा अलग होता है। अच्छा, दोस्तों इस रोड से होते हुए मैं आ रहा था तो एक भाई ने मेरे को लिफ्ट दी और उन्होंने बताया कि गांव के आगे मेला भर रखा है। तो ये पीपल का पेड़ है दोस्तों, यहाँ पर नीचे पूरा गांव का मेला भर रखा है और शीतला माता जी की यहाँ पर पूजा हो रही है। किस प्रकार क्या मेला है देखते हैं अपन। ये देखिए मेले की रौनक, गांव का छोटा सा मेला कितना प्यारा लग रहा है। और पेड़ देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है। हाँ, बहुत ज़ोरदार। इन भैया जी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया दोस्तों, और इतना बड़ा पेड़ दोस्तों मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। बहुत बड़ा, कितना बड़ा ये, कितना पुराना होगा लगभग ये पेड़? मेरे को तो हज़ारों साल पुराना लग रहा है, बहुत पुराना पेड़ है। और मतलब जो भी यहाँ पर ये आ रखे हैं ये सब ग्रासिया आदिवासी है? अच्छा, ग्रासियाओं का मेला आयू। ये इधर ऊपर से गांव से भी रोड आती है, कच्चे कच्चे छोटे छोटे घर बने हुए हैं और यहाँ पर छोटे बच्चे हेडपम्प से पानी पी रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। नेचुरल जिंदगी दोस्तों ये है, सिटी से बिल्कुल अलग। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत। इधर दोस्तों खेत भी है,
खेती भी हो रखी है, गेहूं की फसल बोई हुई है और ये कुछ इस प्रकार का घरासिया आदिवासियों का मेला लगा हुआ है। काफी भीड़ है। सबसे बड़ी बात, हाँ जी, राम जी वल्ली सरपंच अमली मन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई सर्वाई करता है। ये कोई दोस्तों इग्नोर कीजिएगा, इन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर रखी है। बाकी ये मेला देखिए, यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, शीतला माता जी की पूजा कर रहे हैं। पेड़ देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा, 500 मीटर में इसकी लटाएं होगी चारों तरफ। वहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से लगा के उधर तक वहाँ ख़त्म हो रहा है। और कैसे लोग पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल श्रद्धापूर्वक यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं। पेड़ की लटाएं देखिए दोस्तों, मैं हाथ लगा पा रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक आ रखी है ये। इनको नीचे से काटा ना जाए तो ये नीचे ज़मीन में घुस जाती है और जड़ें बैठा लेती है। वो उधर से काफ़ी सारे बच्चे भी आ रहे हैं गांव से, बिल्कुल सब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। हेलो, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम, क्या आपका? इनको समझ नहीं आ रही हिंदी। हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं दोस्तों। देखिए इन लोगों का दोस्तों मतलब पहनावा देखिए, छोटी स्त्री हो या बड़ी स्त्री कोई भी हो, मतलब लहंगा और चुंदरी ओढ़ती है। ये एक अलग ही पहनावा है इनका। काफ़ी सारे लोग इधर बैठे हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर बैठे हैं और उधर नीचे भी लोग बैठे हैं। और इधर ये पीछे खेत है, खेत में से भी बच्चे अपने को देख रहे हैं कि आज यहाँ पर कौन आ गया है। बिल्कुल सबके बीच में बिल्कुल अलग लग रहा हूँ मैं दोस्तों। इन सबके बीच में दोस्तों मैं खड़ा होकर व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो सब लोग सोच रहे हैं आज ये कहाँ से आ गया, कौन है ये अजीब प्राणी। बिल्कुल मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं सब लोग, बिल्कुल अजीब लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल अजीब लग रहा है। मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी बड़ा मेला है। यहाँ पर देखिए जोत भी जल रही है, नारियल वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रसाद बांटी जा रही है। वो किस चीज़ की प्रसाद है? शीतला माता जी। नहीं, किस चीज़ से बनाई हुई है ये? हाँ, ये चावल है। अच्छा, शोका इसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शीतला माता जी की पूजा हुई है आज, यहाँ पर मेला लगा है। अच्छा, ये पेड़ बहुत बड़ा है, लगभग कितना पुराना होगा ये? ये 3 साल पुराना, राम भी नहीं थे। अच्छा, बहुत पुराना है क्या? छोटे छोटे बच्चे, हेलो। यहाँ पर सबको प्रसाद बांटी जा रही है। बिल्कुल गांव वाली फीलिंग। और इधर से भी कुछ लोग आ रहे हैं मेले का आनंद लेने के लिए। आ गए आप भी मेले का आनंद लेने? बिल्कुल। आपका 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 कौन सा गांव है? वल्ली, यही गांव है ना? अच्छा, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, चाचा जी यहां पर नारियल चढ़ा रहे हैं। आप यहां पर क्यों चढ़ा रहे हो, यहां पर किस लिए चढ़ा रहे हो मतलब? अच्छा, सूर्य भगवान। बिल्कुल दोस्तों देखिए, इस तरफ सूर्य भगवान है और चाचा जी यहाँ पर नारियल चढ़ा रहे हैं, सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप इसी गांव के हो? आप भी घरासिया हो? और तो इस गांव में ज्यादातर सभी घरासिया हैं? हाँ, सब घरासिया। अच्छा, और मेन जो काम है मतलब क्या है, खेती बाड़ी वगैरह है कि कुछ और? खेती बाड़ी वगैरह। तो यहाँ पर इतने ज्यादा यूँ खेत भी नहीं दिख रहे, सब क्या करते हैं? खेत करते हैं। अच्छा, सब खेती करते हैं। अच्छा, बिल्कुल काफी शानदार मेला है। और इतना बड़ा पेड़ मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। या। सच में? मैंने लगभग आधा इंडिया ट्रेवल किया पर इतना बड़ा पेड़ पहली बार देखा है। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, सभी मेले का आनंद ले रहे हैं और इनके साथ में मैं भी आज मेले का आनंद ले रहा हूँ। ढाई सौ साल, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा। ये एक ही पेड़ है ना पूरा? हाँ, यहाँ पर हर साल मेला भरता है। हर साल मेला भरता है। अच्छा,
यहाँ पर मतलब ये गांव का पर्सनल मेला है या बाहर से भी लोग आ सकते हैं? बाहर से भी आ सकते हैं। अच्छा, आसपास के गांवों के भी आ सकते हैं? आप लोग इसी गांव के हो? बिल्कुल। देखिए दोस्तों, सब अपनी श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठ के प्रसाद खाने का भी आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब मेले में से रवाना हो चुके हैं। एक भैया जी मिले हमको, ये बोल रहे हैं आगे मंदिर है, चलिए आपको मंदिर दिखा के लाता हूँ। मैंने कहा चलिए मंदिर देखते हैं। ये भैया जी है जो हमको लेके जा रहे हैं, इनके पास बाइक है, तो चलते हैं इनके साथ और देखते हैं किस प्रकार कैसा मंदिर है, क्या नज़ारा है वहाँ का, वहाँ का भी नज़ारा कैप्चर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये गाँव के बुजुर्ग लोग, गाँव का पहनावा, राम राम सा। हाँ बिल्कुल, गाँव का प्योर धोती और कुर्ता। हाँ राम राम। सभी लोग मेले का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, बाइक पर बैठ के रवाना हो चुके हैं मंदिर देखने के लिए। ये भैया जी अपने को लेकर जा रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं। यहाँ की, यहाँ पर गांव की कुछ लेडीज वगैरह भी बैठी हुई है, चलते हैं आगे। दोस्तों, जिस मंदिर पर जा रहे हैं उस मंदिर का नाम है बीजाणी माता जी मंदिर है। बीजाणी माता जी की वहाँ पर पूजा होती है, बीजाणी माता जी का मंदिर है, वहाँ पर चलते हैं। और आगे का नज़ारा देखिए, बिल्कुल रोड के पास में ये छोटी सी नदी आ रही है। ये देखिए दोस्तों, रोड के किनारे बिल्कुल छोटी सी नदी और साइड में जंगल, बीच में रोड और इस साइड खेत। यहाँ पर ज्यादातर खेतों में कौन सी फसल होती है? ये तो गेहूं। अच्छा गेहूं। गेहूं और मक्का। अच्छा गेहूं और मक्का, बिल्कुल। यहाँ पर नदी के किनारे पर देखिए दोस्तों, बड़े बड़े खजूर के पेड़ भी लगे हुए हैं। खजूर के पेड़ है और नींबू के भी लग रहे हैं मेरे को तो। नींबू भी है। अच्छा नींबू भी है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार नदी का पानी नहाने के लिए भी यूज किया जाता है, लोग नहा भी रहे हैं नदी के किनारे पर। ये बीजाणी माता का मंदिर। और अब हम पहुंच गए हैं बीजाणी माता जी के मंदिर पर। ये देखिए बहू जी यहाँ पर नहा रहे हैं। ये दोस्तों, इस तरफ ये पूरी नदी है, ताऊ जी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं, साइड में बच्चे भी खड़े हैं। और यहाँ पर है, ये है बीजाणी माता जी का मंदिर, गांव का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो मंदिर यहाँ पर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, गांव वालों की काफ़ी मान्यता है इस मंदिर पर। यहाँ ऊपर भी एक और मंदिर है और ये साइड में नदी चल रही है, बिल्कुल जंगल वाला एरिया है। प्योर जंगल है क्या? तो यहाँ पर जंगली जानवर नहीं है? जानवर तो नहीं है। अच्छा, मैंने सुना था कि कहीं कहीं पर भालू वगैरह दिख जाते हैं। भालू है, चीता है, ऐसे घूमते रहते हैं ये। दोस्तों, हम गांव के अंदर एंटर कर चुके हैं, ये गांव के घर देखिए। सभी लोग अब मेले से वापस रिटर्न घर पे आ रहे हैं अपने अपने। इस प्रकार घर होते हैं दोस्तों पहाड़ी। ये जो घरों के ऊपर ये लाल लाल डाल रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं? कलू। हली नहीं, कलू। कलू, देसी कलू। अच्छा देसी कलू, जो जैसे ये इस घर पर डाल रखे हैं वो ऊपर। दोस्तों, इन घरों के ऊपर जो ये छत बना रखी है ये कलू से बना रखी है, कलू बोलते हैं इनको। ये ऐसे जगह जगह पर घर बने हुए प्रॉपर, मतलब पूरा गाँव एक नहीं है, जगह जगह घर बने हुए अलग अलग है ना, ज्यादातर पहाड़ी की चोटी पर बने हुए हैं। पहली बात तो इन एरिया में समतल एरिया है ही नहीं, समतल एरिया नहीं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार छोटे छोटे खेतों में गेहूं की फसल बो रखी है। अच्छा, यहाँ तक रिक्शा आता है? रिक्शा तो यहाँ से आगे भी जाते हैं। ये छोटे छोटे मकान, रास्ता देखिए दोस्तों, बहुत डेंजरस है। हमारे इधर विकट भी नहीं बनती, कोई काम का नहीं है। एमएलए साहब अपन कोई काम का नहीं है, रास्ता भी नहीं बनाता है। अच्छा, रास्ता मतलब काम वगैरह नहीं हुआ है कुछ, है ना? नहीं। यहाँ पर आए हम एक घर को विजिट करने के लिए, ये भाई जी मेरे को लेकर आए हैं, चलते हैं ऊपर क्या है यहाँ पर। बहुत प्यारा गाँव है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बातचीत करने में एकदम कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी यूँ अजीब नहीं लग रहा है। और ऐसे ऐसे कच्चे दोनों तरफ बाड़ किए हुए अलग अलग रास्ते जा रहे हैं,
ये इधर मकान शायद कोई बंद पड़े मकान है, बिल्कुल ये बंद मकान है। और मकान इस घर के आगे देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा खेत है, इसी खेत में फसल उगाई जाती है। अच्छा, ये आपका मकान है? बिल्कुल, ये भैया जी अपने घर पे लेकर आए हमको। ये इनका मकान है दोस्तों, ये कलू से बनाया हुआ है दोस्तों, ऊपर ये कलू लगा रखे हैं। और ये क्या बनाया हुआ है? ये तो झोपड़ी है, सही बना दी। अच्छा, पशुओं के लिए? पशुओं के लिए नहीं, रोटी बनाने के लिए। अच्छा, रसोई? हाँ, रसोई घर बना रखी है दोस्तों। केले, ये खजूर के पत्ते है ना? हाँ, ये खजूर के पत्ते, खजूर के पत्ते, खजूर की पत्तियों से दोस्तों ये रसोई बना रखी है। और ये इनका घर है। आपका मैंने नाम नहीं पूछा, आपका नाम? बिरमा राम जी। बिरमा राम जी ग्रासिया, बिल्कुल। और ये बैठक रूम है? हाँ, ये गर्मी के सीजन में बैठने के लिए ये बैठक रूम है। और यहाँ पर तो दोस्तों देखिए पक्का मकान भी बनाया हुआ है। ये किसके हैं? ये भी आपके? हाँ, ये भी हमारे। अच्छा, आपके भाइयों के? हाँ, ये यहाँ पर भी रसोई है देखिए दोस्तों। और ये ईंटों से चूल्हे बनाए हुए हैं, चूल्हे पे कुछ चढ़ाए हुए भी है। यहाँ पर मतलब गाय भैंसे कुछ दिखाई नहीं दे रही, मतलब तो पहाड़ी इलाके से। अच्छा अच्छा, पहाड़ों में चरने के लिए? चरने के लिए। हाँ हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार के कुछ खतरनाक रास्ते और ये सारी लकड़ियाँ जलाने के लिए इकट्ठा कर रखी है, चूल्हे पर काम ली जाती है। बिल्कुल रास्ता देखिए दोस्तों, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, पहाड़ों में दिक्कतें काफ़ी होती है। लेकिन इतनी नहीं होती है हमारे को। अच्छा, अपने गांव में स्कूल वगैरह है? स्कूल में है। कितनी तक है? ये तो 12वीं तक है, नहीं पास में। अच्छा, पास में स्कूल है ये 12वीं तक? हाँ, 12वीं तक। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये खेत है। इधर ये घर बने हुए हैं, ये पहाड़ी क्रॉस करके हम इधर आए हैं। और इधर सामने ये गेहूँ की फसल काट रखे हैं। ये गांव भी दोस्तों देखिए, बड़ी बड़ी अरावली पर्वतमाला की चोटियों के बिल्कुल गोद में बसा हुआ गांव है। ये पिंक फूल वाला पेड़ किस काय का पेड़ है? ये इसको अमल का, अमल। अमल? अच्छा, काफी खूबसूरत फूल लगे हुए हैं देखिए दोस्तों, बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पर। और ये पहाड़ी है और ये रास्ता है, हम चल रहे हैं आगे। इस गाँव में आके दोस्तों काफी आनंद आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत गांव है। और सारे के सारे घर पहाड़ी की चोटियों पर बने हुए हैं, जगह जगह, मतलब प्रॉपर पूरा यूं गांव का एक पूरा यूं प्रॉपर ढाणियाँ नहीं है, अलग अलग बनी हुई है। ऐसे कुछ रास्ते हैं, खतरनाक रास्तों से जाना पड़ रहा है, बिल्कुल जंगल वाला रास्ता है। सामने दिखाता हूँ आपको मैं, कुआँ है, पुराना कुआँ है ना? जामुन के पेड़ है। अच्छा, ये पेड़ बड़ा वाला जामुन का पेड़ है? राम राम सा। आम का पेड़ है। अच्छा, ये समझते नहीं है? समझते नहीं। बिल्कुल, ये यहाँ पर दोस्तों गांव का पुराना कुआं है, पास में से दिखाता हूँ मैं आपको, काफी पुराना लग रहा है, जर्जर अवस्था में है, ज्यादा पास जाना खतरे से खाली है। बिल्कुल बहुत गहरा कुआं है देखिए दोस्तों। इससे पहले यहाँ पर रस्सी बांधी जाती थी, फिर बाल्टी से यूँ बाहर पानी निकाला जाता था और इसी कुएं से अब सिंचाई की जाती है इन खेतों में। और ये जामुन का कितना बड़ा पेड़ है देखिए, जंगलों में जामुन आम वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, खजूर के पेड़ भी है उधर, तो काफ़ी अच्छा गांव है। चलते हैं ऊपर दोस्तों, वो पहाड़ी पार करके नीचे से होके इस पहाड़ी पर, सामने वाली पहाड़ी पर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे, दोनों बच्चों को साथ में लेकर चलते हैं, बिल्कुल एक को भी नीचे नहीं उतारते हैं। इस घर पे अभी कोई है नहीं। और इस घर के, और दोस्तों इस घर के बिल्कुल सामने का व्यू देखिए आप, बहुत प्यारा नजारा है, बिल्कुल अरावली की सारी पहाड़ियां दिख रही है दोस्तों। भैया जी अपने को बता रहे हैं वहां पर बिनानी सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, मतलब सीमेंट बनाई जाती है। और वहां पर वो सामने पहाड़ी पर दिख रहा है वो प्रसिद्ध गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर, वो गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और वो जा ये पहाड़ी है, ये कलबरी वाला बंदे के सामने, ये कलबरी वाला बंदा। अच्छा, ये बांध है? आ,
अच्छा दोस्तों, ये पहाड़ी के पास में इधर बांध है, और जो पीछे वो मकान दिख रहे हैं ना, वो दोस्तों पिंडवाड़ा शहर है। और मैं अभी पिंडवाड़ा शहर से होके ही इस बरली गांव में आया हूँ। ये भी बरली गांव है ना? हाँ, ये तो बरली गांव है। अच्छा, काफी बड़ा गांव है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा गांव है। और इधर भी एक घर बना हुआ है, एक दो घर ये ऊपर बने हुए। दोस्तों, बीरमा राम जी के साथ में मैं एक घर पे आया हूँ, जहाँ पर एक पेशेंट है, उनको मतलब सिलिकोसिस हो रखा है। प्रकाश कुमार गलबाराम जी उनका नाम है। तो हाँ, और गांव है वरली। वरली गांव में मतलब दोस्तों सिलिकोसिस के लिए इन्होंने फॉर्म भी भरा था, फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया है। तो हालत इनकी काफ़ी ख़राब है। आपको भी अभी मीट करवाता हूँ मैं। देखिए, ये इनका घर है। ये दोस्तों इनका घर है, ये मेन एंट्री गेट है। चलते हैं अंदर। ये है प्रकाश जी। आपका नाम प्रकाश जी है? अच्छा, तो आपको मतलब कितने टाइम से लगी हुई बीमारी? एक डेढ़ साल हो गया है ना? मार्च के अंदर इसका फॉर्म भरा था हमने। अच्छा अच्छा, रिजेक्ट हो गया था। तो मतलब सरकार द्वारा कोई हेल्प नहीं हुई है? सरकार के द्वारा कोई हेल्प नहीं हुई। तो यहाँ के जैसे गांव के सरपंच वगैरह वो कोई हेल्प नहीं करते? सरपंच तो हेल्प करने वाला नहीं है। अच्छा, तो फिर कुछ तो ऐसे मतलब तबीयत तो ज्यादा आगे से आगे बिगड़ती जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये घर है, बिल्कुल यूं ज्यादा यूं पैसे वाले नहीं है। हाँ, नॉर्मल लाइफ है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, मतलब मरीज के मतलब सोने के लिए जगह भी ये है। देखिए, बिल्कुल यूँ ठंडी जगह भी नहीं है, और आगे आने वाला मौसम भी गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी होने वाली है। तो इनके लिए सरकार से कुछ हेल्प होनी चाहिए। और घर दिखाऊँ तो मैं आपको, देखिए ये इस प्रकार, ये गोबर से बनाया हुआ है ना? अच्छा, ये गोबर से पोता हुआ है ऊपर। अच्छा, गोबर और मिट्टी से दोस्तों देखिए घर बनाया हुआ है, काफ़ी प्यारा घर है। हाँ, ये देखिए अंदर से काफ़ी अच्छा घर है। और इधर ये क्या है? अच्छा, बाड़ा है। अच्छा, पशु बकरी का बाड़ा बनाया हुआ है। अच्छा, ऊपर तिरपाल भी डाला हुआ है, पानी वगैरह ना आए। और ये केलू है ना? तो दोस्तों इनको नाल को देसी केलू बोला जाता है। और ये यहाँ पर दादी जी भी है। दादी जी, राम राम। राम राम, दादी जी को सुनाई देता है। बाकी दोस्तों, प्रकाश जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनकी मदद दोस्तों बिल्कुल होनी चाहिए। तो आगे से आगे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आप। दोस्तों, ये प्रकाश जी की फ़ाइल है, जिनकी फ़ाइल मतलब इनको सिलिकोसिस हो रखा है। सिलिकोसिस में इनकी फ़ाइल को मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे दोस्तों मतलब हर लोगों की हेल्प, सरकार की हेल्प हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मतलब पर गांव के कुछ लोग या कुछ लोग चापलूस जो लोग होते हैं ना, वो बीच में ऐसे पैसा खा जाते हैं, पर गरीबों के लिए कोई भी मदद नहीं पहुंचाई जाती है। ये इनके पूरे डॉक्यूमेंट है दोस्तों। और प्रकाश जी की हालत दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये उनके डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब दोस्तों, हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किया गया था, तो 3 दिन इनको भर्ती रखा गया, और बाद में इनको छुट्टी दे दी गई। और मतलब क्या बोला गया कि आप घर पे चले जाइए? हाँ, घर पे चले जाइए, छुट्टी दे दी थी। अच्छा, बिल्कुल छुट्टी दे दी। हाँ। कोई इलाज वगैरह कुछ नहीं किया? तीन ही बाल्टी चढ़े थे। कितना चढ़ गया? तीन। अच्छा, तीन दिन सिर्फ तीन ग्लूकोज चढ़ाई बस? सिर्फ दोस्तों 3 ग्लूकोज चढ़ाई है, सिलिकोसिस की बीमारी के लिए 3 ग्लूकोज चढ़ाई गई है। कोई टेबलेट वगैरह कुछ नहीं दी गई, कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं दी गई। तो ऐसे लोगों की दोस्तों हेल्प होनी चाहिए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इनके लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो दोस्तों, प्रकाश जी के घर पे हम जाके आ गए हैं। उनकी हालत दोस्तों देखने पर काफी खस्ता लग रही है। और इस गाँव का ये नज़ारा आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, काफी प्यारा गाँव है, पर गांव में काफ़ी सुविधाओं की भी काफ़ी कमी है। तो यहां पर सुविधाएं भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपना प्यार बनाए रखें। और ऐसे ही एडवेंचर्स और शानदार वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।